देखिए, त्रिपुरा में जो वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरह से अराजकता जो पैदा की जा रही है, लोकल बॉडी इलेक्शंस में 1000 के ज्यादा पदों पर विपक्ष का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाए, उनके घर जलाए गए, मारपीट की गई, लगातार जितने भी विपक्षी दल हैं और खासतौर से कांग्रेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे सुदीप बर्मन जी हैं, बिरजीत सिन्हा जी हैं, सरिता और जितने भी लोग यहाँ पर सामने जो हैं, कुछ दिन पहले इनके ऊपर भी हमला हुआ था। कांग्रेस भवन पर ही जो हमला कर दिया, जो थाना के सामने अगरतला शहर के बीच में कांग्रेस भवन है, और उस कांग्रेस भवन में जो थाने के बगल में है उस पर जो उसको जो क्षतिग्रस्त कर दिया, धमकी रोज मिल रही है। तो हमने इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के सामने कहा कि त्रिपुरा की जो वर्तमान विधि व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें एक निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए। जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, और कुछ हमने सुझाव दिए किस तरह से बोगस वोटिंग किया जाता है, किस तरह से जो है हमारे बूथ लेवल एजेंट को पीट पीट करके जो भगा दिया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन अवगत हुए हैं, और आपके माध्यम से पूरे देश के लोग को मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके जितने भी अधीनस्थ कार्यकर्तागण हैं वो गुंडे एक गैंग जैसे काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल गैंग हेलमेट लगा करके पूरा अगरतला में घूमता हुआ दिखाई देगा, अगर हमारे जुलूस निकलती है तो हमको धमकी देते हुए। पुलिस जो है पंगू है, पुलिस पूरी तरह से जो है संविधान की शपथ नहीं, संविधान की शपथ तो खाए हुए हैं पुलिस ने, लेकिन जो है पूरी तरह से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। तो चुनौती है, तो ये सब समस्या को जो हमने बताया और इलेक्शन कमिश्नर को से अनुरोध किया कि सेंट्रल फोर्सेस की तो आवश्यकता है, उसके अलावा बहुत सारे जो है जमीन पर एक डेलीगेशन उनको भेजना अनिवार्य, बहुत ही जरूरी है, ताकि त्रिपुरा के वर्तमान विधि व्यवस्था, वर्तमान स्थिति से वो इलेक्शन कमीशन सुचारू रूप से अवगत हो जाए। इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे वकील साहब है, वरुण जी भी साथ में थे, इलेक्शन कमिश्नर ने जो है हमारे पिटिशन को स्वीकार किया, उस पर उन्होंने कुछ टिप्पणी दी, और उन्होंने कहा कि जो जो आपके जो शंकाएं हैं, जो जो बातें आपने कहा उस पर वो कार्रवाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लुक, दी वी हैव टोल्ड द इलेक्शन कमिश्नर दैट इन द प्रेजेंट सिचुएशन टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर पोल इन त्रिपुरा इज नियर इम्पॉसिबिलिटी। In the local body elections, over 1,000 posts went uncontested because of the BJP and his gundas. The chief minister and the BJP karyakarta are working like a gang in Tripura. Actual gang, like D gang, that kind of gang. We have requested the chief election commissioner to send a delegation to gather the facts from the ground and take the strictest action to ensure free and fair poll. We have given some suggestions like central police forces, certain duties at the booth level. We are hopeful that the chief election commissioner will take action on the request we have made. Thank you.